शुभ प्रभात छात्र छात्राश्च अद्य वर्गस्य विषयः पुलिंग द्विवचनम्। पुलिंग द्विवचनम् पाठ तीन पृष्ठ संख्या 11 वर्ग पंचम कक्षायां। अहम कृष्णानंद झा अस्मि। इस चित्र को देखिए। इस चित्र में क्या है, दशरथैक जनकौ लब कुशौ राम लक्ष्मणौ भरत शत्रुधनौ मेघनाद कुंभकर्णौ वशिष्ठ विश्वामित्र। इसमें सब में दो जोड़ी लगा हुआ है। पुलिंग किसे कहते हैं, जो पुरुष जाति का बोध कराता है पुलिंग कहलाता है। द्विवचन किसे कहते हैं, जो दो मात्रा का बोध कराता है, दो संख्या का बोध कराता है। यहाँ पर सब जोड़ी लगा हुआ है, दो संख्या का बोध है, इसलिए सब द्विवचन में है। विशेषः पुलिंग द्विवचनस्य उदाहरणानि एतानि। यह सभी जो चित्र में देखे हैं, लब कुशौ राम लक्ष्मणौ मेघनादौ कुंभकर्णौ, यह सभी द्विवचन है। एते अपि आकारांत शब्द, ये सभी आकारांत शब्द हैं। शब्द सभी पुलिंगवाची शब्द हैं। पृष्ठ पलटिए। ध्यानानि तथ्यानि। आकारांत द्विवचनस्य अन्ते औ भवति। आकारांत द्विवचन के अंत में औ होता है। अकारांत द्विवचन के अंत में क्या होता है, औ होता है। अकारांत द्विवचन के अंत में औ होता है। द्विवचनस्य प्रयोग संस्कृत भाषायाम एव भवति। द्विवचन का प्रयोग संस्कृत भाषाओं में होता है। हिंदी भाषाओं में द्विवचन का प्रयोग नहीं होता है। हिंदी भाषा में एक वचन और बहुवचन, संस्कृत में एक वचन द्विवचन बहुवचन। पुलिंग आकारांत पदे एप औ स्वरस्य प्रयोग भवति। पुलिंग आकारांत पदे एव, पुलिंग जो आकारांत पद में है औ स्वरस्य प्रयोग भवति। मतलब पुलिंग वाचक वाची शब्द में, आकारांत शब्द में, मतलब पुलिंग शब्द में द्विवचन में औ मात्रा का बोध होता है। अब चलिए अभ्यास देखते हैं। नरः मनुष्यो पुरुषो, इसमें द्विवचन क्या है, तो पुरुषौ है लिखा हुआ है। तब पर्वतः वृक्षः सूर्यः, इसमें द्विवचन क्या है, पर्वतौ है। क्या है द्विवचन, पर्वतौ है। कृष्ण छात्रौ बालः, इसमें द्विवचन क्या है, छात्रौ हो गया। उसके बाद जनः नरौ पुरुषः, इसमें द्विवचन क्या है, नरौ है। पुत्रौ छात्रः बालः, इसमें द्विवचन क्या है, पुत्रौ है। उदाहरणानुसार परिवर्तनम कुरु, उदाहरण के अनुसार परिवर्तन करना। बाला है तो द्विवचन में क्या हो गया, बालो। मनुष्य है तो द्विवचन में क्या हो गया, मनुष्यो। वृक्ष है तो द्विवचन में क्या हो गया, वृक्षो। पर्वता है तो द्विवचन में क्या हो गया, पर्वतो। वानरा है तो द्विवचन में क्या हो गया, वानरो। छात्र है तो द्विवचन में क्या हो गया, छात्रो। पुत्र है तो द्विवचन में क्या हो गया, पुत्रो। जना है तो द्विवचन में क्या हो गया, जनो। नरा है तो द्विवचन में क्या हो गया, नरो। मयूरा है तो द्विवचन में क्या हो गया, मयूरो। पिता है तो पितरो। अध्यापक है तो अध्यापक। अभी द्विवचन को एक वचन में परिवर्तन करना। वृक्ष है तो वृक्षो। छात्र है तो छात्र। मनुष्य है तो मनुष्यो। कृष्ण है तो कृष्ण। कुश है तो कुशो। आचार्यो आचार्यो है तो आचार्य। जना है तो जनो। राम है तो रामो। राम लक्ष्मण एव उदाम ना नहीं सही है तो आम लिखेंगे, गलत है तो ना लिखेंगे। राम लक्ष्मण एक वचन है, नहीं है, गलत है। कृष्ण अर्जुन एक वचन है, नहीं द्विवचन है। नरऊ द्विवचन है, हाँ है। सूर्य एक द्विवचन नहीं है, गलत है, ना होगा। चंद्र एक वचन है, हाँ है, सही बात है। लक्ष्मण द्विवचन है, नहीं गलत है, यहाँ पर नौ लिखा हुआ है। जना एक वचन है, नहीं यहाँ पर एक आम, हाँ सही बात है। सैनिका एक वचन है, हाँ है। पर्वतौ एक वचन है, नहीं है, नौ लिखा हुआ है। बालौ द्विवचन है, नहीं, हाँ है, आम लिखा हुआ है। अब चित्र को देख के एक वचन द्विवचन बहुवचन लिया। बालौ कृष्ण अर्जुन, उसके बाद राम लक्ष्मण, शिक्षक छात्र, मित्र और राम लक्ष्मण। इस तरह आपका जो यह था छात्र
बीड़ो वृक्ष पर्वत। और यह जो मूल्य परक प्रश्न है इसको क्या करना, द्विवचन लिखा कृष्ण अर्जुन है तो क्या होगा कृष्ण अर्जुन या कृष्ण अर्जुन। नकुल सहदेव युधिष्ठिर अर्जुन लव कुश राम श्याम त राम श्याम लोके केशम प्रयोग द्विवचने भवती तेषाम शब्दानाम संग्रहम कुरुत। अपने घर में आप द्विवचन में क्या क्या बोलते हैं इसको अपने कॉपी पर लिखिएगा। द्विवचन युक्त शब्द वर्णेन रंजित होते शिशिर वसंत पुनरायत वंदे पार्वती परमेश्वर। शिशिर वसंत पुनरायत शिशिर और वसंत में पुनः आता है वंदे पार्वती परमेश्वर। वंदे पार्वती परमेश्वर मतलब मैं प्रणाम करता हूँ महादेव और भगवती गौरी को। वंदे भवानी शंकर मैं नमस्ते नमस्कार करता हूँ भवानी शंकर को मतलब महादेव और गौरी को। न गर्व न दैत्यम न च क्रोध लोभ न गर्व है न दैत्य से और न क्रोध है न लोभ है। कीदृशम पूज्य नर कैसा नर को पूजना चाहिए कैसे नर नर च स नर स सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय। सुख में या दुख में हमेशा एक समान परिस्थिति बनाकर रखना चाहिए। और इसी के साथ आपका यह जो लेसन था संपन्न हो गया। धन्यवाद।